से हो गया। हाँ चलो दोस्तों, ये राजहंस है, अब देख सकते हैं राजहंस, ठीक है, ये राजहंस है और इसका पालन आप अपने घरों पे कर सकते हैं, ये खूबसूरती के लिए, ये बहुत प्यारा होता है, सुंदर होता है, आकर्षक होता है। हाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हंस, ये राजहंस है और इसका विभिन्न वैरायटी आता है, कलर आता है और साइज भी इससे बड़ा होता है, ये वो साइज का है, छोटा है और तुम यहाँ वीडियो बनाना जरूर। और आप देख सकते हैं ये अभी बच्चा है, 6 मंथ का ये बच्चा है और इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये दूध और पानी में से आपको दूध अलग करके पी सकता है। और इसका और एक खासियत है कि जहाँ भी ये राजहंस होते हैं उस एरिया में आपको सांप बिच्छू नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका मुख्य आहार ही है सांप बिच्छू और जितने भी कीड़े मकोड़े जो होते हैं, ठीक है। और हाँ, सबसे अहम जानकारी अब आप लोगों के लिए है कि हंसों में मेल और फीमेल की पहचान आप कैसे करें। हंसों में मेल और फीमेल की पहचान है, हंसों में मेल और फीमेल की पहचान आप कैसे करें, ये बहुत ही कठिन काम है कि हंस में मेल और फीमेल की पहचान आप कैसे करें। तो दोस्तों, जो हंस पालक हैं, जो हंस पालते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप मेल और फीमेल की पहचान आप कैसे कर सकते हैं। तो जो मेल होता है उसका जो आवाज़ होता है थोड़ा सा मोटा होता है और दबा दबा सा आवाज़ होता है, जिस प्रकार की जैसे मान के चला जाए किसी व्यक्ति को ये सर्दी पकड़ ले तो वो उसका आवाज़ जैसे बैठा बैठा आता है, उसी प्रकार का जो मेल होता है उसका आवाज़ थोड़ा सा दबा दबा सा आता है, हैं करके आता है, आवाज़ सुन सकते हैं। और जो फीमेल होती है उसका आवाज़ थोड़ा कर्कश होता है, मोटा होता है और यही उसकी पहचान है। चलो, और इसके इसके चोंच के ऊपर भी यहाँ पे एक थोड़ा सा हाइट होता है, ये हाइट के आधार पर ये जो है, ये जो मेल होता है उसका हाइट ज़्यादा हो जाता है और फीमेल का जो हाइट है इसका चोंच का हाइट, उसका हाइट कम होता है, इसे भी आप पहचान सकते हैं। यानी जो मेल होगा उसका ये चोंच का जो हाइट है वो ज़्यादा होता है ये हाइट, ठीक है, और फीमेल का हाइट यहाँ पे नहीं होता है, इससे भी आप मेल और फीमेल की पहचान कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ये देखिए हंस, हाँ, और ये इसको भी आप इस तरह कभी, हंस को अक्सर लोग ऐसे पकड़ते हैं पंखों में, पकड़ना नहीं चाहिए, आपको गर्दन में तरह पकड़ कर झुला सकते हैं उसको, इससे उसको किसी तरह कोई तकलीफ नहीं होती है और उसको कोई समस्या नहीं, आप इस तरह से इसको पकड़ के झुला सकते हैं, बहुत बहुत दूर तक इसको ले जा सकते हैं। थैंक यू। चलो।